मेरे बच्चे फेमस फेमस। और भैया ऊंचाई पे हैं और हम नीचे हैं। इसको बेली रोड कहते हैं। बेली रोड यही है। हाँ ओके, ये आपका लैंडमार्क है बेली रोड। हम जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह क्या नाम था? बाली रोड, बेली रोड, बेली रोड, बाली रोड, बेली रोड, बेली, बेली फ्लावर्स। और सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी रोड था जो मेन रोड है वहाँ। हाँ हाँ, सिद्धेश्वरी, उसी के नाम से स्कूल है, उसी के नाम से हुआ है। अभी हमारे इंडियन नाम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी चेंज नहीं हुए। और ढाकेश्वरी जो सिटी है वो ढाकेश्वरी मंदिर के नाम से पड़ा है, ढाका। तो ये यहाँ का रमना पार्क और बहुत कुछ होता है। मतलब क्या होता है? होटल होता है, होटल। इस जगह से जो है यूनिवर्सिटी एरिया जो है स्टार्ट हो जाता है ना। हाँ तो वो अच्छा, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट तो सबके अलग अलग बने हैं। फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। अच्छा, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे उधर एक जामिया यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़ा है। इस तरह फिर सुहाड़ी उद्यान। ओके, अब मैं समझा, ये पूरा का पूरा जो है ना आपका यूनिवर्सिटी का पूरा एरिया इस टाइप से है। पूरा ये पूरा पूरा है ना। जिसने लॉर्ड कर्जन अंग्रेज के समय पे बना हुआ था। ओके, हाय, हेलो हेलो। यहाँ से वो ढाका शासन करता था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन यहाँ से जो है ढाका को, वही जो बिल्डिंग है अभी यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है। तो उसी बिल्डिंग को इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया गया है। पता नहीं है अभी जहाँ से बांग्लादेश को आज़ाद करने की मुहिम चली थी, ऐसा ही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका एस्टैब्लिश्ड 1921। सो 1921 में लॉर्ड कर्जन इसको यूज़ करता था या कॉलेज उसी वक्त बनाया जा रहा? कॉलेज इसी वक्त बनाया गया, उसी वक्त बनाया जा रहा। सो कॉलेज उनका बनाया हुआ है ये। हाँ अच्छा, जून 2022 में ढाका यूनिवर्सिटी का 100 ईयर्स पूरा हुआ। उसमें एक सेलिब्रेशन हुआ था। ये सारे बिल्डिंग सजावट था। अच्छा, से पूरा कुछ तस्वीरें हैं। ओके, सो कॉलेज बनवाया लॉर्ड कर्जन, कर्जन ने 1921 में। उन्होंने बनाया था ये, यहाँ से पूरे ढाका को शासन करने के लिए, शासन करने के लिए बनाया था। यही हुआ यूनिवर्सिटी का एक। तो 1921 में वो मर गया था या स्टार्टिंग था वो उनका? अच्छा, स्टार्टिंग था यूनिवर्सिटी का, स्टार्टिंग था 1921। ओके, यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग 1921 है। बांग्लादेशी कुल्फी माठा ट्राई कर रहे हैं, जिसको घोल, बांग्लादेशी में घोल, घोल स्वीट एंड स्वीट ही है सर, ये मीठी मीठी टेस्ट है इसका।
आप तो पहले ट्राई कर चुके होंगे, फेवरेट है यहाँ का? फेवरेट नहीं है, अच्छा, कभी 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 हमारे इंडिया में इसको लस्सी टाइप का कहते हैं, लेकिन बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा, ऊपर मलाई भी डाल के दिया जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा हल्का है, हल्का है। हाँ, प्योर दूध का, ये प्योर दूध का है? हाँ, प्योर दूध। अच्छा, गाय के? गाय के। ओके, खा गया सारा? ना सारा खा गया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गाय सारा खा गया। दूध कहाँ से मिलेगा? गाय पाल के दूध असली? गाय पाल के गाय खा गया, इंडिया से भी मंगा के खा जाता है। नहीं नहीं नहीं, आगे से खाया तो पकड़ लेगा। ठीक है ठीक है। मेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ढाका के, देख सकते हो। सो ढाका मेडिकल यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, और वो सामने बड़ी वाली बिल्डिंग हॉस्पिटल है। ये पकोड़े हैं ना? ये पकोड़े सब्जी का पकोड़े, सब्जी का पकौड़े, उसको क्या कहते हैं बांग्लादेशी में? पकौड़ी। और ये नहीं पता ये क्या है, मुझे फर्स्ट टाइम देखा। नाम नहीं बताया इसका सर। अंडे का वो बोलता है, ये है अंडे, बाजू में क्या है, इसमें ऊपर अंडा है, और ये मुझे लग रहा बंद के अंदर डाला हुआ है, ब्रेड के। टीम बॉन, टीम बॉन बॉन। और तुम्हारा नाम क्या है? शिबास। कितना साल? तुम्हारा एज कितना साल? बुजीना उम्र, उम्र वर्ष को तो वर्ष वर्ष को तो मतलब 14। टेस्टी है, मीठा मीठा है, ब्रेड तो मीठा है और अंडा। ये आंदोलन है शहीद मीनार, शहीद मीनार। ओके, ये तो ये 1952 में जो हमारे बांग्ला भाषा के लिए जो लग रहा था उसके लिए, ये लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज के लिए कि बांग्लादेशी लैंग्वेज, बांग्लादेश की तभी चालू था उर्दू, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करने के लिए पाकिस्तान ने चाप क्रिएट कर रहा था। अच्छा। लेकिन बंगाली ने कहा हमारे मातृभाषा बांग्ला है, बांग्ला ही रहेगा, हम उर्दू में नहीं बोल सकते। तो तब से अब तक बांग्लादेश, तब एक दंगा हुआ, उस दंगे पे बहुत सारे लोग मरे। अच्छा। इस यूनिवर्सिटी का शहीद सलाम बरकत रफीक, उसके बदौलत हमारे 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जापित होती है। मदर लैंग्वेज डे जिसको कहते हैं इंग्लिश में मातृभाषा, जैसे हमारी हिंदी है। ट्रैफिक पार करना भैया ऐसा है जैसे मौत को छू के आ जाना बांग्लादेश में। वो लिखा है, क्या नाम है? जगन्नाथ हॉल। जगन्नाथ, यही है जगन्नाथ हॉल? हाँ। ओके, ये नहीं नहीं बंद है, ये तो बहुत ओल्ड से। तो इसमें क्या क्या होता है? ये एक छत्रावास है, हॉल है। क्या कर रहे हो? अंदर अंदर एक कैंटीन है, वैसे कुछ नहीं है। तो पुराना है सब बना हुआ। तो ये जगन्नाथ हॉल सिर्फ
हिंदू स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो इसमें भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। अच्छा, ये है हॉल स्टूडेंट के रहने के लिए। अच्छा, ये हॉल है स्टूडेंट के रहने के लिए। और स्टडी कहाँ पे करते हैं वो? पास में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज। अच्छा, हॉल अलग अलग बनाया गया है रहने के लिए। ये आप देख सकती हो, बांस से बना हुआ है। ये बांस से बनाया हुआ है। ये जो सीनियर है जाने का भी रास्ता होता था, अभी डूबा हुआ है। और लाइटिंग डिफरेंट है सब तरीके की, तो पूरा परिसर जो है ये हिंदू कम्युनिटी को बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का स्टैचू, तो ये पूरा एरिया जो है वो हिंदू स्टूडेंट के लिए है। और ये भी मेरे ख्याल से वही बनाया जा रहा है। इस्कॉन तो मुस्लिम का अलग है और हिंदुओं का अलग है, हॉस्टल आप कह लो इसे या स्टूडेंट के रहने का। तो पूछते हैं हम अभी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इमिग्रेशन कोई इसको सहयोग था प्रशांत शाह सरजनाथ 21 जनवरी। ये जन मुस्लिम शहीद प्रति बोले नेशनल पार्टी का कोई सदस्य है हमारा जो नेशनल पार्टी है आपके आपके उसका है ना, गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई मेंबर था। बॉयज़ हॉस्टल में अभी हम खा रहे हैं चावल, जिसको कहते हैं भात, और ये है दाल, बहुत देखने में पतली लग रही है। ये करेले की सब्जी, ये है आलू, गाजर, करेला बहुत ही कड़वा है। ओहो, इधर भी लगे पड़े हैं सर खाने में, टी शर्ट उतार के। वो बहुत ही कड़वा है, तो केला इनको, करेला इनको बहुत कड़वा लग रहा है। दाल बहुत कम है सर, दाल यहाँ महंगा है। तो ये हो गई सब्जी, और ये मैंने मिलाया दाल, और करेला मुझे डर लग रहा है। करेला कड़वा है क्या? बहुत कड़वा है बाबू। तो फिर करेला मैं ट्राई नहीं करने वाला। ये तो हॉस्टल का कबाड़, हॉस्टल का खाना ऐसा ही होता है, बहुत सादा खाना है। तो स्टूडेंट लोग अपना ही बनाते हैं? नहीं, यहीं खाना पड़ेगा। अरे फिर और किसी में से और निकाल देना, इधर से ले लेना आप। तो ये मच्छी है, फिश, साथ में फिश दी है, नींबू है, और इसको कहते हैं इसमें प्रोटीन है। ये देखिए
सारा गुरुजी ने छोड़ दिया है। नहीं मुझे पहले पता नहीं था यहाँ पे इतना सारा खाना मिलता है, मुझे इसमें डालना चाहिए था, नहीं पता लगा। अगली बार तो नहीं करोगे? नहीं मैं पैक करवा के ले जा रहा हूँ। नहीं लेगा कोई साइड से? अगर आप वाइट चावल लेके जाओगे तब लेगा। मैं बिल्कुल। तो ये मेरा प्लेट है, ये इनका प्लेट है, और ये हमारे गुरुजी। गुरुजी आप ही गलती करोगे तो हम क्या सीखेंगे? ये गलत है ना, ये भैया गलत है ना, छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सुपारी का पेड़ है, छाली का, जो पान के अंदर जो डालते हैं ना, उसका पेड़ है। मैंने पहली बार देखा है पान में जो छाली डालते हैं। कुछ स्टैचू हैं जो इस देश को आज़ाद करवाने और इस देश में योगदान देने में जिन लोगों का साथ था, कोई लैंग्वेज, कोई नारी शक्ति, कोई एजुकेशन, कोई पोएट है, कोई ऑथर, बहुत हैं इसमें। ये देख सकते हो गन लेके दोनों कैसे खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो हर रिलीजन से हैं इसमें, देख सकते हो आप 43 सब महान लोगों के स्टैचू आपको यहाँ मिलेंगे। सर पीजी हर्ट्ज़ोग, जॉर्ज हैरिसन, शेख मुजीबुर रहमान, सबसे फेमस शेख मुजीबुर रहमान, और हमारे मोहन करमचंद गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सबके स्टैचू ऑलमोस्ट हैं जो हमारे इंडिया में, उनके भी हैं यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर, और इंदिरा गांधी का भी लग रहा है मुझे उधर है। तो ये जो मेन सर्कल देख रहे हो आप, ये वाला, ये बड़े बड़े जो बड़े थोड़े हैं उनका है, और जो उसके बाद जो सर्कल है वो उनके बाद का है, और जो अलग अलग है वो, तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का बनाया गया, थोड़ा वैल्यू देने के लिए। फुलर रोड है, आप यहाँ पर मेमोरियल देख सकते हो, कभी आना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पे आओ फूलर रोड पे। यह है लोकेशन फूलर रोड की। सो ये है मुस्लिम बॉयज़ हॉस्टल यूनिवर्सिटी का, सलीमुल्ला मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं ना? हाँ। ओके, ये बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये भी, जैसा कि दिनों के बाद ये भी ये म्यूज़ियम के लिए छोड़ा जाएगा, हॉल नहीं रहेगा हमारे। अच्छा, इसे भी म्यूज़ियम बना दिया जाएगा और इसकी जगह दूसरी दी जाएगी, कहीं और पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये तो बहुत पुराने बिल्डिंग है यहाँ का। ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सो इधर ज़्यादा पॉपुलेशन है या उस तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन है लोग? यहाँ पे ज़्यादा, यहीं पे ज़्यादा लोग होंगे, इस एरिया में कम है? कम। अच्छा, ये लोग यहीं पे रहते हैं? तो ये लोग जो रहते हैं सब बाहर का। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ बाहर के लोग, बाहर का है। ढाका का एजुकेशन रेट इतना नहीं है, जो लोकल है इतना पढ़ते वढ़ते नहीं है, उसका हाउस रेंट है, कुछ धंधा वंदा है, चला जाता है पढ़ने के लिए, इतना कोई समझ नहीं है, बस ज़रूरी नहीं समझता, बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करता है, एजुकेशन को बस नाम के लिए, जो है सब बाहर का, नाम के लिए एजुकेशन यूज़ कर रहे हैं, का सब यहाँ का, बाहर से लोग आ रहे हैं वो एजुकेशन कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। ओके,